वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जीएस एकेडमी आपको पता है कि जैसे कि हम अब जो है वो नाइन्थ क्लास के मॉडल पेपर जो पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं तो आज हमने जो है वो 2015 का पहले किया था अब हमने 2016 का आपको पिछली वीडियो में पहले ग्रुप का पेपर जो है उसको सॉल्व किया था आज हम 2016 के दूसरे ग्रुप को जो है उसके पेपर को जो है वो सॉल्व करेंगे तो चलिए जी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अब को सॉल्व करते हैं फ़र्स्ट वन इज़ पत्तों के टिश्यू में सोडियम की मेदार होती है सिक्सटीन टू ट्वेंटी परसेंट ट्वेल्व टू सिक्सटीन परसेंट फाइव टू फिफ्टीन परसेंट या पॉइंट वन से टेन परसेंट तो पत्तों के जो है टिश्यूज़ में सोडियम की मेदार होती है जी पॉइंट वन से टेन परसेंट तक ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर जी तो एम सी क्यू नंबर टू है बिल वज़न नौजवान आदमी के में पानी की मकदार होती है ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट या सिक्सटी परसेंट तो बिल हाहा वज़न यानी कि हम लोग बिल हाज वज़न की भी कर सकते हैं बिल हाज कद और ये सारी चीज़ें जो है वो अलग से <coughs> सॉरी मैय की जा सकती हैं तो हम बिल हिहाज़ वज़न नौजवान आदमी के में, में पानी की मक़दार जो होती है वो होती है जी सिक्सटी परसेंट यानी हमारे पास जो है एक यंग मैन उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की मकदार होगी सिक्सटी परसेंट तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर थर्ड वन इज़ अलबैरूनी ने ज़मीन का कुतर मलूम किया लाहौर में कराची में जहलम में या रियाज़ में तो अलबरूनी ने जमीन का कुत्ता जो था वो जहलम में मालूम किया था तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फोर्थ वन इज़ एनर्जी का यूनिट है मीटर कैलोरीज ओहम या किलोग्राम तो एनर्जी का यूनिट यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो इन ऑप्शन के हिसाब से वो है कैलोरीज मैं फिर कह रही हूँ कि इन ऑप्शन के हिसाब से एनर्जी का यूनिट जो है वो कैलोरीज में लेते हैं अक्सर हम फूड आइटम्स जो है वो खाएँ तो उनके जो है वो कोई भी किसी भी ब्रांड की खाएं तो उनके अंदर जो है उनकी बैक साइड पर जब उसके सारी न्यूट्रिशन मेंशन होती है तो वहाँ पे लिखा होता है कैलोरीज सी एल कैलोरीज़ ये बार दफ़ा के सी एल सी एल में भी लिखा होता है या सी एल में तो यानी कि एनर्जी की वो मकदार जो हम जो है वो खा रहे हैं वो कितने कैलोरी हम एनर्जी ले रहे हैं हमारी बॉडी को कितने कैलोरी एनर्जी जा रही है तो ये कैलोरी जो होती है वो उन फूड आइटम्स के पीछे जो है वो जो भी चीज़ें होती हैं उनके पीछे मेंशन होती है कितनी कैलोरीज की चीज़ है तो यहाँ पे हम गजा के हिसाब से बात करें तो एनर्जी का यूनिट जो है वो कैलोरीज है यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर फिफ्थ एमसी क्यूज है हमारे पास डेंगी बुखार की वजह है वायरस बी है ऑप्शन बैक्टीरिया सी है जी जीफनजाई और डी है जरासीम तो जरासीम जो, जो है वो आपको पता है कि कोई भी जो है वो माइक्रोब्स हो सकते हैं वायरस भी आती है फंजाई भी आती है तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें मेंशन है हम सारी एम जो है वो ऑप्शंस uh, को साथ में टिक नहीं कर सके तो बेसिकली जो डेंगू बुखार की वजह बनते हैं वो होते हैं वायरसेस तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर जी तो डेंगू बुखार की वजह बनते हैं वो है वायरसेस नेक्स्ट एम सी की तरफ चलते हैं सिक्स एम है जी हमारे पास एटमोसफियर की ठंडी तरीन तय है एटमोसफेयर की ठंडी त्रीन तय है जी पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर बी है स्ट्रेटोसफेर सी है मीजोस्फेर और डी है थर्मोस्फेयर तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है और ये सबसे एटमोस्फेयर की ठंडी तय है सेवनसी क्यूज है जी इन्फ्लुएंजा की खतरनाक किस्म है इन्फ्लुएंजा यानी कि मैंने आपको बताया था फ्लू जो है उसको कहते हैं तो उसकी सबसे खतरनाक तीन किस्म है किस्म ए किस्म सी किस्म डी और किस्म ई तो इसको हम कसम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये किस्म है बिल्कुल तो ये टाइप्स होता है इंग्लिश में किस्म ए तो ये जो है ए जो ऑप्शन है वो इज़ द राइट आंसर क्योंकि किस्म ए जो है इन के अंदर जो है वो वायरसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है वो फ़्लू को बिगाड़ने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं सो तो ये जो सबसे ख़तरनाक टाइप जो है इसकी वो है टाइप ए इज़ अ राइट आंसर एट्थ एम सी क्यूज है जी आली की एग्जाम है ऑप्शन ए है थ्री बी है फोर सी है फाइव और डी है टू तो लोधी की एग्जाम जो है वो तीन है कौन कौन सी है मेरे साथ पढ़ लेते हैं इसको हम पढ़ेंगे ज़मीनी आलूगी फ़ाईगी और कौन सी लौदगी हो सकता है और शोर की आलूगी भी हो सकता है इसको हम पानी की लौदगी भी कह सकते हैं बड़े टाइप्स की लूदगी है पर यहाँ पर जो मेजर है वो थ्री हैं ज़मीनी ज़मीनील फ़ाईगी और पानी की लौदगी यानी तो हम वो उन तीन बड़ी इकसाम को ही मैंशन करते हैं तो लौदगी की इकसाम जो है कितनी है तीन है ऑप्शन ए इज द राइटर जी एम सी क्यूज नंबर नाइन है वो अच्छी जिन पर एंजाइम अमल करता है वो कहलाती हैं ऑप्शन ए है को बी है को सी है सबस्ट्रेट और डी है प्रोस्थेटिक ग्रुप तो सब वो चीज़ है यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर जिस पर कोई इंजाम अमल करता है या किसी भी चीज़ पर जो है उसको हम सब बना लेते हैं और उस पर अगर इंज़ाम में वर्क करना होता है तो वो सब है और उसको हम जो है सबस्ट्रेट कहेंगे और दूसरा जब एंजाइम उस पर अमल करेगा तो वो उसको चेंज कर देगा एंड सो ऑन जो आगे उसका प्रोसेस है तो सब स्ट्रेट यानी ऑप्शन सी इज़ आ राइट आंसर एम सी नंबर टेन है जी उम्र जिसमें खसरे की वैक्सीन दी जाती है किस उम्र के बच्चे को यानी खसरे की वैक्सीन लगाई जाती है चौथे महीने में पाँचवें महीने में आठवें महीने में नौवें महीने का जब बच्चा हो जाता है नोमा का तो किस महीने में जो है वैक्सीन लगती है तो जी ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर नाइन्थ मंथ का जब बेबी हो जाता है तो उसको जो है हम खसरे की वैक्सीन लगाते हैं एलेवंथ एम सी यूज़ है हमारे पास जी पाकिस्तान की आबादी जिसका ज़रात पर है फ़ोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो पाकिस्तान में सिक्सटी परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी जो है ज़रात के साथ मुनसिक हैं यानी कि खेती बाड़ी करना हमारे लिए फसलें उगाना सब्ज़ियाँ अनाज वगैरह सो तो हमारी जो पाकिस्तानी वाम है उनमें सिक्सटी परसेंट हमारी आबादी जो है उस तरह पर है जी तो हम पढ़ रहे थे एलेन्थ एम सी क्यूज के पाकिस्तानी जिसके अनुसार जरात पर है वो है सिक्सटी परसेंट नेक्स्ट एम सी क्यूज की तरफ चलते हैं एम सी नंबर ट्वेल्थ है जी पानी में हल पजीर वाइटामिन है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन के विटामिन ई e. तो पानी में जो हल पजीर वाइटामिन है वो है जी वाइटामिन बी तो वाइटामिन बी इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन बी है जो है वो राइट right आंसर है अब कैसे है जी कि पा, आ, पानी में हल पजीर होते हैं वाइटाम और फ़ैट्स में हेल्प पजीर होते हैं यानी चर्बी में हेल्प पजीर होते हैं तो पानी में जो है उनकी टाइप्स अलग-अलग हैं है। जो वाइटामिन फ़ैट्स में हेल्प पजीर हैं उनकी टाइप्स अलग-अलग हैं तो वाइटामिन बी जो है ऐसा तो जो है, है, है वाइटामिन है या विटामिन है जो पानी के अंदर हल हो सकता है ईज़िली नेक्स्ट एम सी तरफ चलते हैं थर्टीन एम सी क्यूज है जी माचिस बनाने में इस्तेमाल होता है फास्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम या आयोडीन तो माचिस बनाने के लिए फास्फोरस इस्तेमाल होता है आपने माचिस का जो है वो एक जो है स्टिक ले लें मैच स्टिक जो होती है माचिस की एक तीली ले लें उसके आगे जो, आगे जो आपको जो भी कोटिंग नज़र आती है वो फास्फोरस की होती है उसके अंदर जो है वो बेसिकली फास्टफोरस और सल्फर को मिक्स करके उस कंपाउंड को बनाया जाता है और उसको जो है वो जलाने के लिए या आतिशबाजी की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट एमसीक्यू सी चलते हैं इसका राइट आंसर जो है वो है फास्टफोरस यानी ऑप्शन ए फोर्टीन एम सी क्यू से जी फैट्स सजब होते हैं ऑप्शन ए है जिगर में बी है मैदे में सी है छोटी आंत में डी है बड़ी आंत में तो फैट्स ऐसा होते हैं जी छोटी आंख के अंदर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हम देखें होगा बज दफ़ा के लोग जो है ऊपर से स्लिमेंट्स मार होते हैं जो कि उनकी जो पेट वाला हिस्सा है जो टमी वाला हिस्सा है वो बड़ा हुआ होता है तो यानी कि जितने भी वो फैट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो ले रहे होते हैं वो सारी उनकी छोटी आंख के जमा हो जाते हैं जो कि उसको बर्ग बना देते हैं ऐसा ऐसा वो फिर पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है वो लगता है कि मतलब जो मोटापे का इशारा देती है चीज़ वो है छोटी आंख इसके अंदर जो है फैट जाकर स्टोर हो जाते हैं तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर जी तो हमारा लास्ट एम सी क्यूज़ है एम सी क्यूज़ में फिफ्टीन पाकिस्तान एडमी ताकत बना था नाइन्टीन नाइन्टी एट में नाइनटीन नाइन्टी सेवन में नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में नाइन्टीन नाइन नाइन में तो पाकिस्तान एडमि ताकत बना था नाइनटीन नाइनटी एट में आपको पता है जी चागी के मुकाम पर डॉक्टर अब्दुल खान उनकी टीम ने जो है वो मिल के जो है एटॉमिक ब्लास्ट किए थे तो इस तरह से जो था वो पाकिस्तान जो है वो एडमी ताकत बन गया था तो ये थे हमारे एम सी क्यूज़ दो हज़ार सोलह के ग्रुप बी के पेपर के अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में इन शाला तला दो हज़ार सत्रह के जो है वो आ, पेपर्स को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए जे एस अकेडमी के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की तलाह आपको मिल सके आ, आप उनके बारे में जान सकें कि नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि दो जो है वेरी क्लोज टू योर पेपर्स सोन सत्रह अठारह उन्नीस एंड यू नो पेपर में आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी जितने ज़्यादा आप जो है वो पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये पेपर्स जो है इनको बहुत जरूरी है और इन वीडियोस को बड़े गौर से और अच्छी तरह समझ के जो है इसको देखिएगा नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए जे एस से मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन शाला तला हाफिज़